में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ आप टाइप करेंगे जूम। जैसे ही आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाए आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। करने के बाद जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो जाएगी आपके पास ओपन का बटन जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसे वहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें हो गई है हमारे पास। इसे ओपन कर लेंगे यहाँ से और ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप करेंगे साइन इन, ईमेल देंगे, अपना पासवर्ड देंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट बना लेंगे। आप कैलेंडर को एक्सेस करेंगे, जैसे जैसे ऑप्शन आए इन्हें अलाउ कर दें आप और ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हम जाएंगे न्यू मीटिंग्स पे। जाने के बाद अगर आप अपनी मीटिंग आईडी को ऑन कर देंगे इस ऑप्शन को, तो कोई भी आपकी ये आईडी लगा के जूम की मीटिंग अटेंड कर सकता है। इस तरह से हमारे पास मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। अगर वाईफाई और सेलुलर डाटा पे आप क्लिक करेंगे इससे जो है वो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी मीटिंग की। अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, आपका माइक बंद हो जाएगा। साथ ही वीडियो को क्लोज़ करेंगे वो भी आपकी वीडियो भी बंद हो जाएगी। यहाँ से आप पार्टिसिपेंट चेक कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और एंड पे क्लिक करके आप मीटिंग को ख़त्म भी कर सकते हैं। देन आप जाएंगे ज्वाइन पे, इस पे आप मीटिंग आईडी लगा के कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप कोई भी मीटिंग खुद से बना सकते थे, अब आप कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ आईडी लगा के आप। देन आप कोई भी मीटिंग शेड्यूल भी कर सकते हैं जूम के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे आप डेट सेट करेंगे, टाइम सेट करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। देन आप मोर पे जाएंगे, जाने के बाद बेसिक्स पे जाएंगे और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स लगा सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं और इस तरह के आप कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, अपनी लोकेशन, अपना डिपार्टमेंट, कुछ भी।